स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। विक्की कौशल अब नजर आएंगे फील्ड मार्शल के लुक में। भारतीय सेना में मार्शल सैम की दलेरी व बेबाकी और हाजिर जवाबी व मजाकिया अंदाज के लिए उन्हें याद किया जाता है। सैम वो आर्मी अफसर थे जिनकी लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अब उनकी जीवन कथा पर आधारित बायोपिक तैयार होने जा रही है। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के पारसी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो काफी निडर और बहादुर इंसान थे। सैम के बारे में आपको बता दें तो सैम सेना के पहले ऐसे जनरल बने जिनको प्रमोट करके फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। सुनने में ऐसा आता है कि सैम तत्कालीन प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वे इंदिरा गांधी को मैडम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बुलाते थे। वे इतनी दलेरी से इंदिरा गांधी के हर सवाल का जवाब देते थे कि हर कोई आंखें फाड़ कर देखता रह जाता था। तो आज सैम की पुण्यतिथि है। सैम की पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने उन्हें नमस्कार करके याद किया और उनकी बहादुरी के किस्सों को सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आपको बता दें कि सैम की पुण्यतिथि पर कई फिल्मी सितारों ने भी उन्हें याद किया है। अब आपको बता दें कि विक्की कौशल सैम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। बता दें कि तरण आदर्श की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सैम की पुण्यतिथि पर रोनी स्क्रेवाला और निर्देशक मेघना गुलजार ने विक्की कौशल का न्यू लुक शेयर किया है। आपको बता दें कि विक्की कौशल व गुलजार एक बार फिर से इकट्ठे स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इसका पिछला लुक पिछले साल शेयर किया गया था। आपको ये भी बता दें कि मेकर्स की ओर से कई वीडियो और फोटोज तैयार की गई थी जिसे विक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था। वीडियोज व फोटोज को शेयर करते हुए विक्की ने कैप्शन में लिखा, भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को याद कर रहे हैं। यह यात्रा कुछ खास स्पेशल होने वाली है। इस कैप्शन को विक्की ने कई फिल्मी सितारों को टैग किया। आपको बता दें कि साल 2019 में सैम की पुण्यतिथि के दिन उनका लुक शेयर किया गया था। वेल, अब सब यही इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय सेना के मार्शल सैम की बायोग्राफी को जल्द ही स्क्रीन पर देखा जाए। आपकी इन तस्वीरों और वीडियोस के प्रति क्या है राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए बूगल बॉलीवुड के साथ।